एक ऐसा युद्ध जो जब शुरू हुआ तब हर किसी को लगा था कि ये तो रूस के बाएं हाथ का खेल होगा। हर किसी को यकीन था कि रूस यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में ही निपटा देगा। साथ ही किसी को भी जेलेंस्की के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था। भले ही यूक्रेन रूस का डटकर सामना कर रहा हो, लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन के काफी ईस्टर्न इलाकों पर अपना दबदबा बना लिया है। मगर इसके लिए रूस को भारी संघर्ष करना पड़ा और इसी संघर्ष के चलते रूस ने अपने 1,00,000 सैनिकों में से 20,000 सैनिकों को गंवा दिया, जबकि 80,000 घायल हुए। इनमें आधे से ज्यादा प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैनगर के लड़ाके थे, जिन्होंने यूक्रेन के बाखमुत इलाके में लड़ते हुए जान गंवाई है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्समैन जॉन किर्बी ने की है। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार सबसे तीव्र लड़ाई बाखमुत के लिए है, जहां यूक्रेनी सैनिकों को शहर के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर सभी से खदेड़ दिया गया है। लेकिन अमेरिका के अनुसार रूस पिछले साल से यूक्रेन के छोटे शहरों पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, जिसमें रूस को कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। बाखमुत में 5 से ज्यादा महीने की लड़ाई के बावजूद रूस के सामने एक डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिस वजह से रूस डोबनास पर कब्जा करने में विफल रहा है। भले ही इस बात की जानकारी अमेरिका ने साझा की हो, मगर अमेरिका ने यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा पब्लिक नहीं किया। हालांकि अगर जमीनी स्थिति की बात करें तो ये बात किसी से नहीं छिपी है कि यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से पैसों से लेकर हथियारों तक की मदद मिलती आ रही है। जहां यूक्रेन पश्चिमी देशों के कंधों पर बंदूक चला रहा है, वहीं रूस इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भी इस युद्ध को अपने दम पर लड़ रहा है। हालांकि भारत और चीन ने इस युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की, मगर इसके बावजूद भी रूस को उस प्रकार की सहायता नहीं मिली जिसका यूक्रेन आनंद लेने में लगा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मां काली के अपमान के बाद भारत यूक्रेन को अब किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा, और साथ ही चीन भी पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने के लिए रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।